हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मासादा सर्विस सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं एक हाथ में मेरा कैस्ट्रोल एक्टिव है और एक हाथ में देख सकते हैं हीरो का 40+ है। ये मोबाइल दोनों बेहतर है फ्रेंड्स, बेहतरीन है और बेहतर भी है। दोनों को अगर आप गाड़ी में लगाइएगा तो बेस्ट रहेगा, लेकिन सबसे बेस्ट कौन रहेगा फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज मैं बताऊंगा और दोनों की कंपेयर करके बताऊंगा क्वालिटी किसका ज्यादा मजबूत रहता है, किसका गाढ़ा मोबिल रहता है, और प्रिंट का भी बात करूंगा और दोनों में क्या फायदा है लेने से, किसमें ज्यादा फायदा है, किसमें ज्यादा नुकसान है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्टिंग करते चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख सकते हैं मासादा सर्विस सेंटर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मोबिल की बात किया जाए तो यहाँ देख सकते हैं दोनों ओरिजिनल मोबिल है फ्रेंड्स। दोनों का डी भी मिलता है मार्केट में, लेकिन ये मैं दो ओरिजिनल मोबिल की बात कर रहा हूँ। इसका भी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि कौन ओरिजिनल रहता है और कौन डुप्लीकेट रहता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं ये जो दोनों मोबिल है उसका ओरिजिनल की पहचान है, यहाँ पर लोगो दिया रहता है दोनों का, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो रहता है वो हीरो लिखा रहता है, इसका कैस्ट्रोल है। तो ये दोनों फेमस ब्रांड है फ्रेंड्स, आपको हर जगह ये मोबिल देखने को मिलेगा। लेकिन आप कैसे ज्यादा अच्छा है और कैसे कौन मजबूत नहीं है तो इसका पता कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका लेंथ मतलब इसका मोटाई, जब मोबिल आपके पास आपके हाथों में अगर डालने के लिए आता है तो इसे खोल के आप चेक कर सकते हैं कि कौन ज्यादा गाढ़ा है और किसका लटाहट कम है। फ्रेंड्स, प्रिंट रेट की बात किया जाए तो यहाँ देख सकते हैं इसका 260 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 260 की एमआरपी दिया जाता है, जबकि इसका देख सकते हैं फ्रेंड्स 322 की एमआरपी। तो इसका एमआरपी जो है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा ज्यादा है कैस्ट्रोल का, लेकिन उससे थोड़ा सा क्वालिटी में भी ज्यादा है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ जो अगर हीरो मोबिल आप लगाते हैं अपने बाइक में, अगर आपका बाइक हीरो है, पैशन प्रो है, स्प्लेंडर है, ग्लैमर है, हीरो का कोई भी है, तो वो बेहतर काम करता है फ्रेंड्स फर्स्ट इंजन के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप कैस्ट्रोल लगा लीजिए, अगर आपका 2-4 साल बाद आपका गाड़ी अगर धुआं देता है या कुछ प्रॉब्लम आता है, मोबिल ज्यादा खाता है, तो आप कैस्ट्रोल लगाइए, कैस्ट्रोल एक्टिव लगा लीजिए, वो भी ओरिजिनल फ्रेंड्स। दोनों में आप ओरिजिनल ही लगाइएगा, डुप्लीकेट आप पता कर सकते हैं कि कौन डुप्लीकेट है उसे मत लगाइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां देख सकते हैं इसके कैप में एक, इसके जब कैप को आप खोलिएगा तो यहां पर एक कूपन दिया जाता है, यहां पर देख सकते हैं यहां 10 रुपये का कूपन दिया जाता है, तो ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये एक बेहतरीन विकल्प हो जाता है मैकेनिक के लिए। लेकिन हीरो की बात किया जाता है तो हीरो में ऐसा कोई कूपन ऊपन नहीं रहता। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे आप शोरूम से भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये आपको शोरूम में नहीं मिलेगा, दुकान में मिलेगा या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों 900 ml का मोबिल है और यहाँ पर लिखा रहता है पावर फ्यूलिंग सेविंग और एक में रहता है एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों मोबिल में आप कहीं भी कोई भी बाइक में दोनों मोबिल को लगा दीजिए, इससे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका गाड़ी कुछ खराबी होगा इंजन में। ये दोनों मोबिल और मोबिल की अपेक्षा बहुत ही बेहतर, इसलिए आप विकल्प में दोनों को चूज कर सकते हैं। अगर आपका रेट थोड़ा बजट कम है तो आप इस मोबिल को भी लगा सकते हैं, आप थोड़ा सा ज्यादा या पावरफुल है आपका बजट तो आप इसे भी लगा सकते हैं, दोनों मोबिल बेहतर है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।